Hello, good morning, India. The Hindu analysis subah 6 baje. Daily vocab subah 8 baje. Mass manthan subah 10 baje. GK gyan dopahar 12 baje. Reasoning mantra dopahar 2 baje. English dose sham 4 baje. CDS special sham 6 baje. Subah 6 baje se sham 6 baje tak. Back to back classes. Live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें Wi-Fi Study चैनल को. Hello, good morning, India. The Hindu analysis सुबह 6 बजे. Wi-Fi Study आपके लिए लेके आया है CHSL धमाका, जिसमें आपको मिलेगा complete video solution. साथ में आपको मिलेगी CHSL की online test series, जिसमें आप पूछ सकते हैं अपने doubts भी. Reasoning पढ़िए मेरे साथ. Quant पढ़िए मेरे साथ. GK पढ़िए मेरे साथ. और English पढ़िए मेरे साथ. तो दोस्तों आज ही ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अब CHSL दूर नहीं. तो दोस्तों वाईफाई स्टडी आपके लिए लेके आए. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. सो फ्रेंड्स, आज जो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी कि आज जो आपकी क्लास है वो हाफ एन आवर डिले हो गई है, लेकिन फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है, ये डेली हम 12 बजे इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है CHSL के प्रीवियस ईयर का GK, जो कि हम कवर करते हैं और आपको काफी कुछ सीखने वाले हैं आज के सेशन से आप सभी लोग. तो उम्मीद करते हैं कि आज आप काफी कुछ सीख के जाएंगे और जो हमारा टारगेट है 50 में से 50 वो हम कंप्लीट करेंगे आने वाले पेपर के अंदर. तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज जो आप सीखेंगे वो काफी आपके काम आएगा आने वाले पेपर में, और काफी ऐसे क्वेश्चन है जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं पिछले साल के, जो कि कंप्यूटर का ना आते हुए हिस्ट्री का क्वेश्चन था जो कि आपसे पूछा गया था. तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है. उम्मीद करता हूं कि ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसका सही आंसर करेंगे. पहला क्वेश्चन है कि कहा जाता है कि फारस की राजधानी इस्फारान ने एक स्मारक के निर्माण के लिए प्रेरणा प्रदान की है, वह स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा है. तो देखिए, एक पर्शिया की जो कैपिटल है इस्फारान, इस्फारान नाम के कैपिटल है, यानी कि देखिए जब मैं ईरान की बात करता हूं, ईरान पर्शिया वाला जो एरिया था ना वो पाकिस्तान से स्टार्ट होकर पूरा आगे तक जाता है. जैसे कि अगर आपको मैं अभी मैप में दिखाऊं तो आप मैप में देख सकते हैं कि पर्शिया वाला जो एरिया है वो कौन सा एरिया है. तो सबसे पहले समझिए पर्शिया वाले एरिया को. तो ये आपके सामने जो इमेज है ये पूरे पर्शियन एम्पायर की है. किसी टाइम पे ईरान इराक सारे के सारे जो ये एरिया थे वो पर्शिया के अंदर इंक्लूड थे. तो ये पर्शियन एम्पायर के अंदर अगर मैं करंटली बात करूं, ईरान है, ईरान की कैपिटल क्या है, तहरीन. ईरान की कैपिटल है तहरीन से 350 किलोमीटर के आसपास एक एरिया है इस्फाहान नाम का, इस्फाहान रीजन है वो पूरा. तो वो जो एरिया है वो हमारे एक मॉन्यूमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव हुआ है किसी टाइम पे. और ये कौन सा मॉन्यूमेंट है ये आपको बताना है, और इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी इसका सही आंसर होगा. काफी लोगों को इसको इसका गलत किया है, मुझे उम्मीद थी कि 90 से 95% जो है वो गलत आंसर आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा अनरेलीवेंट क्वेश्चन था. ठीक है, लेकिन अब ये ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर में से बनाए जाते हैं. ये जो क्वेश्चन है वो काफी पहले आज से 7-8 साल पहले भी आ चुका है, इसीलिए वापस से इसको लेके आया गया, और वापस से भी ये क्वेश्चन आ सकता है. ऐसे जो अनरेलीवेंट क्वेश्चन होते हैं वो उनके रिपीट होने की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ती है, क्योंकि एग्जामिनर चेक करता है एक्चुअली में कि आपने प्रीवियस ईयर पेपर को कितना एनालिसिस किया है, उसी के लिए इस तरह के क्वेश्चन है जो कि डाले जाते हैं. तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा, यानी कि रेड फोर्ट. ओके, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, जो रेड फोर्ट बनाया हुआ है वो आपको बताइए रेड सैंडस्टोन से बनाया हुआ है. किसने बनाया था, शाहजहां ने बनवाया था. ठीक है, 16 सेंचुरी में इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था. उसी के अंदर रेड फोर्ट के अंदर एक पर्ल मॉस्क्यू भी बना रखा है. किसने, औरंगजेब ने. अगर आपसे पूछते हैं कि रेड फोर्ट में पर्ल मॉस्क्यू किसने बनाया है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वो औरंगजेब ने बनाई है. और रेड फोर्ट किसने, शाहजहां ने बनाया है. तो जब हुआ ये था एक्चुअली कि जब आगरा से दिल्ली की तरफ कैपिटल शिफ्ट कर रहे थे शाहजहां, तो उन्हें शाहजहांबाद नाम की एक जगह बनाई थी जिसको आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं. तो शाहजहांबाद के अंदर ही उन्होंने एक फोर्ट बनाया था जिसको हम रेड फोर्ट बोलते हैं. ओके, वहां से ही आपको पता ही है 15 अगस्त को तिरंगा भी फहराया जाता है. तो ये जो इस्फाहान जो पर्शियन कैपिटल थी वो उस मॉन्यूमेंट के लिए एक आइडियल थी, क्योंकि वहां पे जो इस्फाहान नाम की जो जगह है वहां पे भी ऐसे कई सारे मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं. तो शाहजहां ने वहां से ही इसको वहां से ही इंस्पायर होके यहाँ पे ये रेड सैंडस्टोन का क्या बनवाया, लाल किला बनवाया. लाल किला के जो लाल किला के और साथ में जो ताजमहल है दोनों की आर्किटेक्ट एक ही है, उस्ताद अहमद लाहौरी. ये वो पर्सन है जो कि आर्किटेक्ट है. किसके,
लाल किला के और साथ में ताजमहल के, दोनों ही शाहजहां ने बनवाए, तो दोनों ने ही, इन्होंने ही उसको आर्किटेक्ट किया। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, बाकी सब आपको पता ही है। हुमायूं टॉम्ब उनकी वाइफ थी, बानू बेगम उन्होंने दिल्ली में बनवाया था, और महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स ये किसने, अशोका ने बनवाया था। ये सब क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। कुतुब मीनार का आ चुका है, कुतुब मीनार के जो फर्स्ट सबसे पहले कंस्ट्रक्शन है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाई थी, क्योंकि कुतुबुद्दीन एक उनके सेंट थे जिसको वो पूजा करते थे, उनके वजह से उन्होंने ये बनवाया था। फिर जो तीन ऊपर की, आपको पता ही है ना कुतुब मीनार के बारे में, मैंने आपको बताया था कि कुतुब मीनार जो है वो 5 स्टोरी की बिल्डिंग है, ठीक है, 5 स्टोरी बिल्डिंग है। तो फर्स्ट स्टोरी तो इन्होंने बनाई थी, कुतुबुद्दीन ने, ऊपर की जो बीच की तीन है, ठीक है, वो इल्तुतमिश ने बनवाई थी जो उनके सन इन लॉ थे, और जो ऊपर वाली थी वो किसने बनाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, तुगलक ने बनवाई थी ऊपर वाली। तो इस तरीके से कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया नोबेल अवार्ड से लेकर, तो आपको पता ही है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। कई बार मैं जो इंडियंस को जो नोबेल अवार्ड है वो पूरे में डिस्कस कर चुका हूं आप सभी से। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कितने इंडियंस को अवार्ड मिल चुका है, कौन कौन सी फील्ड में मिला है, ये सभी मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं आपसे। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर था, विक्रम साराभाई को कभी नोबेल नहीं मिला, सीवी रमन इसका सही आंसर है, ठीक है, सीवी रमन इसका सही आंसर है। और यहाँ पे विनोद जी लेट हो गए, तो विनोद जी मैं भी लेट हो गया था आज, आप ही लेट नहीं हुए, मैं भी 12:30 बजे आया हूँ, तो आप भी लेट है, मैं भी लेट हूँ। लेकिन अब जो हम कंटिन्यू करेंगे उससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। जिन लोगों ने अभी कंटिन्यू किया है फ्रेंड, बने रहिए और काफी कुछ आप सीख के जाने वाले हैं आज, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, डी सीवी रमन इसका सही आंसर होगा। आपको पता है सीवी रमन को फिजिक्स के अंदर नोबेल अवार्ड मिला था 1930 के अंदर, और उस टाइम पे उन्होंने रमन इफेक्ट, यानी कि रमन इफेक्ट नाम से उन्होंने एक डिस्कवरी करी थी। उन्होंने क्या कहा था कि अगर किसी प्रिज्म के आगे या फिर कोई ट्रांसपेरेंट चीज है उसके आगे अगर कोई व्हाइट लाइट आएगी, तो जो बाकी लाइट जो स्केटर होगी, जो डिफ्लेक्ट होगी, उनकी वेवलेंथ बदल जाएगी। ये कहा था रमन इफेक्ट ने, रमन, सीवी रमन ने। तो उस वजह से उनको क्या मिला था, नोबेल अवार्ड भी मिला था फिजिक्स के अंदर। और उनकी डिस्कवरी से कई सारी यूजफुल चीजें बाद में काम आई वेवलेंथ को लेकर, जैसे एक्सरे है और भी ऐसे बहुत सारी चीजें जो कि बाद में लोगों के काम आई उनकी डिस्कवरी के वजह से। तो रमन इफेक्ट आप समझ गए होंगे ना, आपको सीवी रमन भी पता होना चाहिए, आपको यह भी पता होना चाहिए कि 1954 के अंदर जो सबसे पहले भारत रत्न के जो रेसिपिएंट थे वो राधाकृष्णन, राजगोपालाचारी और सीवी रमन, ये तीन लोग ही थे। तो इसी की वजह से पहले इनको नोबेल मिला, उसके बाद में इनको भारत रत्न मिला। ओके, और यहाँ पे राजेश जी और विद्युत नायक जी भी लेट हो गए हैं, तो काफी आज लोग आज लेट है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा। आप देख सकते हैं रमन इफेक्ट के बारे में, साथ में नेक्स्ट इमेज एक और देख सकते हैं आप। ओके, ये रमन इफेक्ट है जिसके अंदर ग्लास प्रिज्म से क्या हो रहा है, कई सारे लाइट के अंदर चेंजेस हो रही है और उसमें वेवलेंथ का भी चेंजेस हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है रमन इफेक्ट भी आप समझ गए होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया वही पूरा का पूरा फिनोमिना है। अगर एक लाइट, व्हाइट लाइट जाएगी प्रिज्म के ऊपर तो वो डिफ्लेक्ट होगी, तो कई सारे एक छोटी सी लाइट होगी जो उसकी वेवलेंथ चेंज हो चुकी होगी। तो ये कहा था रमन ने, ठीक है। और यहाँ पे सही कहा है कि पांडे ने, विक्रम साराभाई तो स्पेस प्रोग्राम से रिलेटेड थे, सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, सही कहा है रवि कुमार ने, काफी लोगों ने सही आंसर किया इसका। ओके, और यहाँ पे काफी लोगों ने सही आंसर किया है, तो देख सकते हैं। और यहाँ पे अरुण मौर्य पूछ रहे हैं भारत रत्न कब मिला, तो मैंने आपको बताया अरुण मौर्य जी 1954 में इनको भारत रत्न मिला था, सबसे पहले रेसिपिएंट यही थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उम्मीद है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी आसान है, कई बार हम बायोलॉजी क्लास में कवरअप कर चुके हैं, डेली क्लास के अंदर भी कई बार कवरअप कर चुके हैं। हाउ मेनी लेयर्स डज ह्यूमन स्किन हैव, ह्यूमन स्किन के अंदर कितनी लेयर्स होती है, कई बार पढ़ चुके हैं ना, डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ये सब हम पढ़ चुके हैं कई बार। ओके, कई बार मैंने आपको पूरा का पूरा मैप दिखाया है, वापस से मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, जिन लोगों ने पहले ही क्लासेस अटेंड नहीं करी है आप देख सकते हैं सबसे ऊपर। ओके, हाइपोडर्मिस, उसके बाद में डर्मिस, उसके बाद में एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, इस तरीके से तीन लेयर्स हैं, और साथ में स्वेट ग्लैंड भी है, हेयर फॉलिकल्स भी है, और साथ में ब्लड वेसल्स है। तो ऊपर के जो तीन लेयर है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछते रहते हैं एपिडर्मिस के नीचे कौन सी होती है, डर्मिस के नीचे कौन सी होती है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और इसका आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा। स्वेट ग्लैंड में से आपके पसीना आता है, ये भी आपको पता है ना, तो कई बार वो भी पूछ लेते हैं, तो डी इसका सही आंसर है। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, काफी सिंपल था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से वही पूछा गया जो कि हम कई बार कवरअप कर चुके हैं, साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम पूछा गया एक
कई बार कवर अप हो चुका है एक सेक्शन, मैं आपके लिए इसके लिए मैंने आपको कहा था स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें आपके सारे के सारे एनिमल और जो प्लांट है इंपॉर्टेंट जो है वो सारे कवर अप होंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं जो एलियम सेपा साइंटिफिक नेम किसका है ये आपसे पूछा गया था, कौन से फ्रूट का है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, उम्मीद करता हूं कि काफी लोगों को पता होगा, ठीक है। और प्रशांत जी को कोई आइडिया नहीं था पिछले क्वेश्चन का, प्रशांत जी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखिए फ्रेंड्स, पहले के जो जीके क्लासेस 150 जीके क्लासेस मैं ले चुका हूं वो सभी अटेंड जरूर करिए क्योंकि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे अटेंड करिए। उसके बाद में प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए क्लास लगाइए और साथ में टेस्ट सीरीज को बिल्कुल ना छोड़िए। टेस्ट सीरीज अब से आप एक दो महीना जो है वो रेगुलर टेस्ट सीरीज को, डेली का एक टेस्ट सीरीज सोच लीजिए कि आपको करनी करनी है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो टाइमिंग है, जो आपकी एक्यूरेसी है, जो आपकी वीकनेसेस है, वो सभी आपको तभी पता लगेगी जब आप टेस्ट सीरीज को करेंगे। और साथ में वाईफाई स्टडी की आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको डेमो टेस्ट भी फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ओनियन, डी इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही है, ओनियन इसका सही आंसर होगा। ओनियन को क्या कहते हैं, एलियम सेपा कहते हैं। इससे पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं कि नाजा नाजा कोबरा होता है, साथ में पीस में सेटाविज्म आपके वीट होता है, और भी कई सारे जो साइंटिफिक नेम है आप इमेज में देख सकते हैं, ओके। तो ये सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पी प्लांट का आपको पता ही है ना, पीस में सेटाविज्म है, वैसे ही मैंगो का, मैग्निफेरा इंडिका है, ओनियन का है, वीट का, ट्रिटिकम है, ठीक है, वीट का तो ट्रिटिकम है और पी प्लांट का किसका, पीस में सेटाविज्म है, सोयाबीन है, फ्रॉग, कैट, डॉग, ये सब पेपर में ऑलरेडी पूछ चुके हैं, ठीक है। तो ये इमेज मैं आपको कई टाइम से दिखा रहा हूं और इसके आगे नेक्स्ट इमेज एक और है, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी साइंटिफिक नेम से रिलेटेड है, आपके साइड में आ रही होगी, ओके। और दिवाकर जी बोल रहे हैं जीएस इंप्रूव नहीं हो रहा। देखिए दिवाकर जी, आपको 1000 बातों की एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, अगर आपको जीएस इंप्रूव करनी है अपनी, तो आप सबसे पहले 150 जो वीडियोज है उनको कवर अप करिए, उसके बाद में आपकी जो जीके है वो 101% इंप्रूव होगी, ये मेरी गारंटी है आपको। उसके बाद में पॉलिटी, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसा कोई सा बेसिक सवाल नहीं होगा जो आपके सीएचएसएल या सीजीएल में आता है और आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले वो अटेंड करिए, उसके बाद में सारे के सारे डेली क्लास अटेंड करिए। कई चीजें हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपका साइंटिफिक नेम है ये टॉपिक कवर अप किया है, आपको मैंने 10-15 जो नाम बताया ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में इसी में से सवाल बनता है। आप देख रहे हैं मैंने फर्स्ट टाइम पे भी जब फर्स्ट पेपर हमने डिस्कस किया था जब भी मैंने आपको ये इमेज दिखाई थी और आज भी दिखा रहा हूं, इसीलिए ऐसे ही कवर अप होते हैं, ओके। तो यहां पे आपका डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि पूछा गया डीएनए स्टैंड्स फॉर, तो डीएनए के फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है फ्रेंड डीएनए के बारे में। डीएनए देखिए, अगर आपने प्रीवियस ज्योग्राफी की बायोलॉजी की क्लास नहीं करी है तो वो अटेंड करिए, उसमें भी मैंने डीएनए के बारे में सब कुछ कवर अप कर रखा है। अब देखिए सबसे पहले तो ये समझिए डीएनए होता क्या है, कहां पे पाया जाता है। देखिए अगर मैं मेरी बॉडी में से एक सेल निकालता हूं, अभी आपके पता है आपकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, अगर आपकी मैं क्या करता हूं मेरी बॉडी में से एक सेल निकालता हूं, सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम्स होंगे, और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा, जिसके अंदर क्या होगी मेरी पूरी जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन है वो होगी। ये होता कुछ नहीं, एक प्रोटीन स्ट्रैंड होता है, प्रोटीन के जैसे जो स्ट्रैंड होता है ना, एक आपका जो बाल है उसका भी 1000 टाइम छोटा कर लीजिए, ओके, उसको हम बोलते हैं प्रोटीन स्ट्रैंड। तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा होगा इस तरीके का, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना ये होता है डीएनए, ठीक है, डाइऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, डाइऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको कहते हैं डीएनए को। अब पेपर में बहुत तरीके के सवाल बनते हैं, बहुत इजी से सवाल बनते हैं, पूछ लेंगे डीएनए के फुल फॉर्म जो कि पूछ ली गई है, पूछ लेंगे किसमें डीएनए पाया जाता है, क्रोमोसोम्स में, क्लोरोप्लास्ट में, ऐसे कोई भी ऑप्शन दे देंगे। कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, तो इसका डबल हेलिकल, कौन सा स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिकल इसका स्ट्रक्चर होता है। साथ में पूछ लेंगे इस स्ट्रक्चर को किसने बनाया था, तो वॉटसन और क्रिक, दो पर्सन थे, वॉटसन और क्रिक, ये दो पर्सन थे जिन्होंने स्ट्रक्चर के ऊपर क्या करी थी, बताया था डीएनए का स्ट्रक्चर, ओके। कौन से चीज से बना होता है, तो प्रोटीन, ये भी आपसे पूछ लेंगे। इसके पेयरिंग के बारे में पूछ लेंगे, यूनिवर्सल पेयरिंग रूल होता है, आपको पता ही ना, AGCTU होता है, AGCTU, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा कि A का हमेशा G के साथ में पेयरिंग होगी, C की T के साथ में, इस तरीके से पेयरिंग के बारे में भी पूछ लेते हैं कि किसकी पेयरिंग किसके साथ में होगी, तो ये आपको पता करना है, ओके। और यहां पे जेम्स पूछ रहे हैं सर ये कहां क्या से बना है, तो मैंने आपको बताया डीएनए किससे बन रहा है,
डीएनए प्रोटीन से बन रहा है, प्रोटीन जो स्ट्रैंड होता है उससे बनता है डीएनए, ठीक है। तो डीएनए के अंदर हमारी पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। आपको पता ही, अगर कहीं पर भी कोई मर्डर होता है या फिर कोई भी केस होता है, क्राइम होता है, तो सबसे पहले वहां पे कलेक्शन किया जाता है, या तो आप बालू का या फिर कोई सेल का या फिर स्पर्म का कुछ भी, अगर वहां पे कलेक्शन किसी भी क्राइम का कुछ मिल गया ना, जो कि फॉरेंसिक टीम आके देखती है, तो अगर कुछ भी मिल जाता है तो उसका क्या होता है, डीएनए से उसके उस चीज के आपके बाल में से भी आपकी पूरी इंफॉर्मेशन, जेनेटिक कोडिंग पता कर सकते हैं, ठीक है। आपके एक सेल अगर मिल गया मर्डर करते वक्त, अगर किसी ने खरोंच मार दी, लड़ाई हो गई, तो उसका कुछ भी अगर नाखून में कोई भी एक सेल भी मिल गया ना, तो उसकी पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमें पता चल जाती है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसकी हाइट क्या थी, उसका अपीयरेंस क्या था, काफी कुछ चीजें हमें को पता चल जाती है। इसीलिए फॉरेंसिक टीम आके सबसे पहले क्राइम वाली जगह को ब्लॉक करती है और वहां पे चेक करती है कि क्राइम के अंदर कोई चीज ऐसी है कि नहीं है। तो वो हम डीएनए के लिए ही करते हैं, ठीक है, डीएनए के लिए ही हम करते हैं। लालजी का नाम आपने सुना होगा ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो हमारे लालजी पर्सन थे, उनकी अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले डेथ भी हुई है। वो हमारे बहुत ज्यादा हमारे देश के एक बहुत अच्छे वो थे साइंटिस्ट, जिन्होंने इसके ऊपर काफी काम किया था, इस टेक्नोलॉजी को चीप बनाया था, सस्ता बनाया था लालजी ने, ठीक है। बिल्कुल सही कहा यहाँ पे, दिल्ली पुलिस ने डीएनए मेड ऑफ पेंटो शुगर नाइट्रोजन बेस, ओके, और ऐसे काफी चीजें बताई है लोगों ने, शेयर करिए, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ आपको इमेजेस दिखा रहा हूँ, आपका जो आंसर क्या होगा वो तो डी इसका आंसर होगा, डाइऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ओके। तो आपको आंसर तो यहाँ पे डी है, काफी लोगों ने जो आंसर डी किया है बिल्कुल सही आंसर है। और यहाँ पे एक सवाल भी पूछा है पूजा गुप्ता ने, और आरएनए क्या होता है, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, बहुत ही सिंपल है। आरएनए के बारे में भी जब पूरा क्वेश्चन आएगा आपके एक दो दिन में, तब मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आरएनए के बारे में भी डिस्कस करूंगा। अभी आप प्रोटीन के बारे में, अभी आप डीएनए के बारे में सीख लीजिए, क्योंकि मुझे और भी कुछ आपको बातें जो कि आपको बतानी है डीएनए के बारे में। अब देखिए आप एक इमेज देख सकते हैं यहाँ पे डीएनए के बारे में, सबसे पहले तो ये ब्लूप्रिंट है डीएनए का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है, डीएनए का ब्लूप्रिंट है। इसके बाद आप नेक्स्ट इमेज देख सकते हैं, ओके, इसमें डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करी गई है। डीएनए स्ट्रक्चर क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लैडर लाइक स्ट्रक्चर को, जिसको हम डबल हेलिक्स बोलते हैं, इससे बना होता है। और किससे बना है, न्यूक्लियोटाइड से बना है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप होता है, पेंटोज होता है और नाइट्रोजीनियस बेस होता है, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें होती है जो कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर होती है, फॉस्फेट, पेंटोज और नाइट्रोजीनियस। इसके अलावा ये तो डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात हो गई। अब देखिए इसके अंदर और भी इंपॉर्टेंट है पेयरिंग को लेकर, ठीक है, कि डीएनए कहाँ पे लोकेटेड है, न्यूक्लियस के अंदर है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डाइऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड से बनता है, मैंने आपको बताया ना, न्यूक्लियोटाइड से बनता है। और इसके अंदर कोडिंग होती है, जैसे कि मैंने बताया, ए के साथ में हमेशा टी की तो पेयरिंग होगी और सी की हमेशा जी के साथ में पेयरिंग होगी, ए के साथ में टी की पेयरिंग होगी और बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो ये भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हाइड्रोजन बॉन्ड, कई बार पूछते हैं कि जो एडिनाइन और जो थायमिन है इसके साथ में जो पेयरिंग होती है, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब देखिए कई, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में समझ गए ना आप, ए के साथ में टी की पेयरिंग होगी और जी के साथ में सी की पेयरिंग होगी। अब देखिए इतना समझने के बाद में कई बार क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है। हरगोविंद खुराना ने है ना इसी के ऊपर काम किया था, हरगोविंद खुराना को आपको पता है नोबेल अवार्ड मिला था, तो हरगोविंद खुराना ने इसी के ऊपर काम किया था, म्यूटेशन के ऊपर, जेनेटिक कोडिंग के ऊपर। तो हुआ, अब एक्चुअली देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि ए के साथ में तो हमेशा, ए के साथ हमेशा टी की पेयरिंग होगी और सी के साथ में हमेशा जी की पेयरिंग होगी। अब जब इस पेयरिंग में डिस्टॉर्शन हो जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया आपको ए के साथ में टी की पेयरिंग हुई, अब मान लो कल को टी की ना होके यहां पे जी की पेयरिंग हो गई, तो क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा बॉडी के अंदर, क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा। और इस डिसऑर्डर से बॉडी के अंदर कई सारे चेंजेस आ जाते हैं। आपने अल्बिनो का नाम सुना है, अल्बिनो, अल्बिनो कौन लोग होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा सूर्यमुखी, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं या फिर बुजुर्ग होते हैं जो बिल्कुल व्हाइट कलर के होते हैं, बिल्कुल फॉरेनर टाइप के होते हैं, फॉरेनर से भी एक्स्ट्रा, उनके हमेशा चश्मा लगा होता है, ज्यादा धूप में निकल नहीं सकते हैं, ज्यादा धूप में निकलने में प्रॉब्लम होती है, आंखों में चश्मा होता है और बिल्कुल व्हाइट कलर की स्किन होती है, ओके, उनको हम बोलते हैं अल्बिनो। वो अल्बिनो का जो रीजन है वो यही है, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि म्यूटेशन हो चुका है, जहां पे डीएनए के अंदर एक के साथ में टी की पेयरिंग होनी थी, वहां पे कुछ और पेयरिंग हो गई, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई उनकी बॉडी के अंदर। इस तरीके से कई सारी चीजें होती है जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर हो जाते हैं, ओके। तो यहां पे काफी लोगों ने, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, मैंने एक और नेक्स्ट इमेज भी एक और है, देखिए एडिनाइन, थायमाइन, ग्यूनाइन और साइटोसिन, तो ये पेयरिंग आपको ध्यान रखनी है, ए के साथ में टी और जी और सी, ओके, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है।
और हाइड्रोजन बॉन्ड्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, एक ही साथ में टीम है। तो ये बेस पेयरिंग रूल है जो कि आपको समझना है। ये अगर आप समझ गए डीएनए के बारे में, इतनी इन्फॉर्मेशन जितनी मैंने दी है ना, इंडिया का कोई भी पेपर आ जाए आप डीएनए के बारे में कभी भी गलत सवाल नहीं करेंगे। सवाल यहीं से बनते हैं जो कि मैंने आपको बताए थे। ओके, म्यूटेशन, पेयरिंग रूल, उसके बाद में फुल फॉर्म कहां पे होता है, कैसा होता है, उसमें बेसिस बेस पेयरिंग रूल क्या है, ये सारे सवाल है अपने आप में। तो इंडिया का कोई भी पेपर में आपको सवाल गलत नहीं होगा अगर आप इतना सा कंसेप्ट है जो कि समझ गए हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फॉल्स अबाउट नेचुरल रबर। नेचुरल रबर के बारे में कौन सी चीज है जो कि गलत है। ओके, अब देखिए नेचुरल रबर के बारे में यहां पर चार इंफॉर्मेशन दी गई है। पहला तो क्या वो एक इलास्टोमर है, इलास्टोमर। ओके, बिल्कुल सही बात है, इलास्टोमर है। नेचुरल रबर क्या होता है, इलास्टोमर ही होता है। लैटेक्स जो होता है ट्री का, उससे निकलता है नेचुरल रबर। तो यहां पर बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहला वाला। तो मोनोमर है किसका, आइसोप्रोसीन का, आइसोप्रोसीन का मोनोमर है, इसमें मुझे डाउट है। तीसरा वाला पॉलीमर है क्लोरोप्रीन का, बिल्कुल सही बात है। और सल्फर के साथ में हीट करने पर उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो इंप्रूव हो जाती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा ना वो आपका बी आंसर होगा, ठीक है। ये आइसोमर नहीं है, आइसोमर नहीं है। किसका आइसोमर नहीं है, क्रिसिसोप्रीन जो है, सिसिसोप्रीन, उसका ये क्या नहीं है, मोनोमर नहीं है। तो आप इमेज में देख सकते हैं जो मैंने आपको डिफाइन करी है, नेचुरल रबर का जो नेचुरल रबर निकलता है वो कुछ इस प्रकार से निकलता है, ठीक है। ट्री के अंदर से नेचुरल रबर को निकाला जाता है। नेक्स्ट इमेज में आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती है नेचुरल रबर की। ओके, इलास्टिक होता है और इलास्टिसिटी टाइम के साथ में घटती है, कभी भी बढ़ती नहीं है नेचुरल रबर की। ओके, और सॉफ्ट होता है, सेंसिटिव होता है हीट को लेकर, सल्फर के साथ में हीट किया जाता है, इजिली ऑक्सीडाइज होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, और ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उसके अंदर ये सॉल्युबल होता है। साथ में नेक्स्ट इमेज भी आप देख सकते हैं जिसमें लैटेक्स से ऑब्टेन किया है। ओके, नेक्स्ट इमेज के अंदर, और जो मोनोमर किसका है, 2-methyl-butane-1,3-diene, 2-methyl-butane का ये क्या है, मोनोमर है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यानी कि जो सिसिसोप्रीन था वो गलत है आपका, और इसका आपका आंसर क्या होगा, ठीक है, बी इसका सही आंसर होगा, मोनोमर आपको ध्यान रखना है, 2-methyl-butane, इतना सा नाम ध्यान रख लीजिए आपके लिए सफिशियंट होगा, मोर देन रिक्वायरमेंट होगा। तो आपका आंसर क्या है, बी इसका सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे दुशांत जी ने बिल्कुल सही आंसर किया था। ओके, और अरुण जी ने भी बिल्कुल सही कहा है, रणवीर, स्वीटी, काफी लोगों ने सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज कार्बन टेट्राहाइड्रल क्लोराइड हैज नो डाइपोल मोमेंट। कुछ दिन पहले मैंने आपको समझाया था पोलर मोमेंट, पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में, नॉन पोलर के बारे में, साथ में कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, और साथ में डाइपोल मोमेंट के बारे में भी मैंने आपको बताया था। डाइपोल कब होता है, जब कोई इलेक्ट्रिक जो चार्जेस नेगेटिव पॉजिटिव जो चार्जेस दूरी होते हैं दो, जब चार्जेस नेगेटिव पॉजिटिव दूर होते हैं तो उनके अंदर डाइपोल क्रिएट होता है, और जब हम इनके बारे में इनकी दूरी पता करते हैं तो वो क्या बन जाता है, डाइपोल मोमेंट बन जाता है। जिसकी जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके अंदर उतना ही ज्यादा डाइपोल मोमेंट। समझ गए, नहीं समझे वापस से बता रहा हूं, डाइपोल मोमेंट समझिए, सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे कि एक आपको बताइए, हर जगह पे पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, तो जितनी इनके अंदर दूरी होगी वो क्या बनेगा, अगर दूरी है तो ये डाइपोल बन जाएगा। कितनी दूरी है उसको हम किससे मेजर करते हैं, मोमेंट से, जिसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। यानी कि इलेक्ट्रॉन की अगर जब अनइक्वल शेयरिंग होती है, ओके, इलेक्ट्रॉन्स की जब शेयरिंग अनइक्वल हो जाती है तो डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट क्रिएशन। कैसे होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स की अनइक्वल शेयरिंग होती है। ओके, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। अब देखिए यहां पे कार्बन टेट्राहेड्रल, कार्बन यहां पे क्या बात कर रहे हैं, CCl4 की बात कर रहे हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके, उसका क्यों डाइपोल मोमेंट नहीं है, साइज की वजह से नहीं है। और यहां पे जो आपका आंसर होगा, ठीक है, और यहां पे काफी लोगों ने जो आंसर दिया है वो उसका आंसर जो आ रहा है वो आंसर आ रहा है सेम साइज ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन एटम। देखिए फर्स्ट वाला इसका आंसर नहीं है, रेगुलर टेट्राहेड्रल क्लोराइड स्ट्रक्चर, प्लैनर और सिमिलर इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ऑफ कार्बन एंड, देखिए बीस का सही आंसर होना चाहिए, बिकॉज ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जो इसका स्ट्रक्चर है ना उसकी वजह से इसका जो डाइपोल मूवमेंट है ना वो नहीं हो, इसके ऊपर नहीं है, तो आपका बी यहाँ पे सही आंसर होगा। आप देख सकते हैं मैं कुछ आपको बेसिक से कंसेप्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ किसके बारे में, ठीक है। वॉट इज अ डाइपोल मूवमेंट, सबसे पहले ये मत समझिए कि CCl4 में डाइपोल मूवमेंट होता है कि नहीं होता है, सबसे पहले ये समझिए कि ये होता क्या है, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर जब
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे वो कोइंसाइड नहीं करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डाइपोल मोमेंट उसके अंदर पोजेस करेगा। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर आपके जो स्ट्रक्चर है CCl4 का वो मेंशन कर रखा है। अब देखिए, दो तो लेफ्ट हैंड साइड पे, दो राइट हैंड साइड पे, तो दोनों के क्या कर रहे हैं, वो कैंसिल आउट कर रहे हैं चार्जेस को। ठीक है, आप देख सकते हैं ना, जो पॉजिटिव भी लगा हुआ है, नेगेटिव भी लगा हुआ है, तो एक नेगेटिव, जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव है, एक जो पॉजिटिव है वो उसको क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है चार्जेस को। आगे नेक्स्ट भी आप देख सकते हैं, जो कि क्या है, यहां पे इंफॉर्मेशन बताई गई है किससे रिलेटेड, कि डाइपोल मोमेंट होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जब दो इलेक्ट्रिकल चार्जेस है अपोजिट साइन के हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, अगर एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो वो क्या है, डाइपोल स्टैब्लिश हो जाएगा, और जो साइज है उस डाइपोल की वो क्या बताएगी, डाइपोल मूवमेंट बताएगी। ओके, जिसको हम, इसके जो यूनिट क्या होती है, डायबी, DEBYE, ये इसकी यूनिट होती है, जो कि किसके इक्वलेंट होती है, 3 × 3 × 3 × 4 × 10⁻³⁰ के इक्वलेंट होती है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में नेक्स्ट भी आप देख सकते हैं, कई सारे यहाँ पे आपके सामने कंपाउंड्स हैं, उसके साथ में आपके इन्फॉर्मेशन भी है कि CaNaCl का डाइपोल मोमेंट कितना है। साथ में आप देख रहे होंगे नीचे नीचे CO2 और CCl4, इन दोनों का जो है ना डाइपोल मोमेंट वो जीरो है। ठीक है, वो जीरो होता है, इसके वजह से मैंने आपका जो आंसर है वो इसका बी आंसर होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और भी कुछ आपके सामने इमेज है कार्बन टेट्राक्लोराइड की, आप देख सकते हैं इसके अलावा भी, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के कोई डायपोल मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि सारे जो इंडिविजुअल बॉन्ड है वो डायपोल्स कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि रिजल्टेंट ऑफ दीज टू बॉन्ड डायपोल इज क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। दो तो आप देख रहे हैं ब्लू के अंदर है, और दो आप देख रहे हैं किसके अंदर है, पिंक कलर के अंदर है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल नंबर 101 टू बाइनरी। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ओके, और यहाँ पे कई लोगों को समझ में नहीं आया है, दिनेश जी को समझ में आ गया है, डिफिकल्ट है सैम के लिए। ओके, और यहाँ पे काफी लोगों को, जैसे प्रशांत जी को भी और बीना जी को भी समझ में नहीं आया। तो देखिए, बीना जी लोड लेने की जरूरत नहीं है, वापस से ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। अभी आपके पास में 1-1.5 महीना मैं क्लास लेने वाला हूँ प्रीवियस ईयर की, तो कई बार मैं इसको रिपीट करूंगा। पहले वाली क्लास में मैं 2 बार डाइपोल मूवमेंट को, कोवलेंट बॉन्ड को, पोलर मूवमेंट को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जिनको समझ में नहीं आया है, अगली बार वापस से मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर भी। ठीक है, तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। जब आप डेली क्लास अटेंड करेंगे तो ऐसा कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा जो कि हम कवर अप नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कन्वर्ट करना है आपको, कन्वर्जन आता है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है कन्वर्जन करने का, बाइनरी टू डेसिमल। यहाँ पर डेसिमल टू बाइनरी बोला गया है, वैसे यहाँ पर डेसिमल टू बाइनरी, देखिए डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है, 101 का करना है। अगर आप 101 को मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, ठीक है, तो यहाँ पे 50 आएगा, 100, तो क्या 1 बच गया रिमाइंडर। उसके बाद में वापस से, ठीक है, 1 बच गया यहाँ पे रिमाइंडर। अब मैं 25 को डिवाइड करूंगा, 50 को डिवाइड करूंगा किससे, 2 से, तो कितना हो गया, 50 क्या बचा, 0, तो एक और 0 हो गया। अब मैं 25 को डिवाइड करूंगा 2 से, तो कितना बचा, 12, यहाँ पे 24, वापस से 1 बचा, तो मैंने वापस से 1 ले लिया। ओके, उसके बाद में 12 बचा, 12 को वापस से डिवाइड करूंगा 2 से, तो कोई भी यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचा, 0 बचा, तो मैं वापस 0 को ले लूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। और जैसे कि 12, उसके बाद में 6 के बाद में वापस से यहाँ पे क्या बचेगा, 0, और उसके बाद में 3 बचेगा, 3 को वापस से डिवाइड करूंगा तो 1 बचेगा। ओके, और उसके बाद में 1 बचेगा आखिरी, तो 1 को 2 से करूंगा तो वापस से 1 बचेगा। तो कुल मिला के आपको उसका उल्टा कर लेना है, वापस से 1100101, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो सिंपल सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, जब 1 बचेगा तो 1 ले लेना है, और जब कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो आपको 0 ले लेना है। इस तरीके से आपको एंड तक उसको डिवाइड करना है और आखिरी में इसका उल्टा कर लेना है। ठीक है, तो आपका ये इसका क्या होगा, बाइनरी नंबर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। ओके, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। साथ में अगर आपको इसको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है तो ये भी बड़ा आसान है, 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^6, ओके, इन सभी को ये नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करते रहो, ये 1 × 2^0 प्लस 2 × 0 × 2^1 प्लस
जीरो इंटू टू की पावर टू, इस तरीके से सभी को कैलकुलेशन कर लीजिए तो आपका बाइनरी टू डेसिमल भी आ जाएगा और डेसिमल टू बाइनरी हमने कन्वर्ट कर ही दिया है, बहुत ही सिंपल तरीका है। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, डबल वन, आपका आंसर है डबल वन डबल जीरो वन जीरो, ओके डबल वन डबल जीरो आएगा यहाँ पे 101 आखिरी के अंदर, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए इसका आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही कहा है। और यहाँ पे स्नेहा जी बोल रही है वापस से, देखिए वापस से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका है, जिन लोगों को समझ नहीं आया है वापस से मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन इसमें से आ जाता है कई बार आपके पेपर में, तो आपको पता होना चाहिए बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैं आपको 50 का एग्जांपल ले, चलो मैं 101 का ही ले लेता हूं जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने इसको डिवाइड किया दो से, ठीक है, रिमाइंडर क्या आया, वन आया, तो मैंने क्या ले लिया, वन ले लिया यहां पे रिमाइंडर, उसके बाद में यहां पे 50 आएगा, अब मुझे 50 को क्या करना है, दो से डिवाइड करना है, यहां पे क्या आएगा 25, यहां पे आएगा 50, रिमाइंडर क्या है, जीरो, तो मैंने क्या कर लिया, यहां पे जीरो ले लिया, अब क्या बचा 25, 25 को वापस में क्या करूंगा, दो से डिवाइड करूंगा, तो क्या आएगा 12, 12 और 12 24, एक और रिमाइंडर बचेगा, तो मैंने एक और ले लिया यहां पे, अब क्या बचा 12, 12 को वापस में डिवाइड करूंगा दो से, तो यहां 6 आ जाएगा और यहां पे कोई भी नहीं बचेगा, तो मैंने वापस से जीरो ले लिया इसका रिमाइंडर, रिमाइंडर रिमाइंडर में वहां पर लिखा जा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, 6 को मैंने किया दो से, तो यहां पे 3 और यहां 6, वापस से जीरो, तो वापस से जीरो हो गया, अब यहां पे 3 बचा, तो 3 को मैंने वापस से 2 से किया, तो यहां 2 आएगा और यहां 1 आएगा, ओके यहां पे भी 1 आएगा, तो मैंने वापस से 1 ले लिया, और आखिरी में क्या बचा, 1 बचा, तो 1 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर यहां पे 1 ही बचेगा, तो यहां पे मैं इसको 1 लिख लूंगा, अब कुछ नहीं कर रहा है, आपका आंसर क्या होगा, 1100101, ये आपका बाइनरी नंबर होगा, किसका, 101 का, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और बिल्कुल यहां पे इसको करने का फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, मैं तो आपको बेसिक सा तरीका बताया, फैक्टराइजेशन भी करोगे ना अगर आप, उससे भी इसका निकल जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीका है ये, तो मैंने आपको उन लोगों के लिए बताया जिनको बिल्कुल बेसिक से पता नहीं था, ओके बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसको निकालने का। और इसको अगर वापस से कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी टू डेसिमल, तो कुछ नहीं करना है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं, अगर वापस से आपको बाइनरी टू डेसिमल करना है तो वो भी बड़ा सिंपल तरीका है, जैसे कि आपका जो आंसर था वो तो क्या था, 1100101, एग्जांपल मान लीजिए इसको मेरे को वापस से क्या करना है, बाइनरी टू डेसिमल करना है, बाइनरी टू डेसिमल, तो मैं इसको क्या करूंगा, 2 into 1 की पावर 0, ठीक है, इसके लगाऊंगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6, इनको इन्हीं की वैल्यू से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 into 2 की पावर 2, ठीक है, फिर 0 into 2 की पावर 1 यहां पे है ही, फिर क्या करूंगा मैं इसको, यहां पे 1 है, 1 into 2 की पावर 2 यहां पे 0 है तो 0, फिर यहां पे वापस 0 है तो 0, फिर यहां पे 1 है तो 1 और 1 into 1, ओके तो इस तरीके से मैं इनको कैलकुलेट करूंगा तो मेरा वापस से क्या आ जाएगा, डिजिटल नंबर आ जाएगा, बाइनरी टू डिजिटल, इस प्रकार से आप कर सकते हैं, तो सिंपल तरीका है, ओके तो उम्मीद कर रहा हूं यहां पे किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी और इसका ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपसे पूछा गया कि वल्लम काली बोट रेस किस राज्य में आयोजित की जाती है। तो देखिए वल्लम काली बोट रेस, बोट रेस आपने अगर नहीं सुनी है तो फ्रेंड ओणम के टाइम पे, ओणम कब होता है, अगस्त सितंबर के टाइम पे होता है, ओणम आई गेस केरला में मनाया जाता है, तो ओणम के टाइम पे बोट रेस कराई जाती है कहां पे, केरला के अंदर, जो वहां पे कई सारे लेक है, वेम्बाटनेट लेक है और भी जो अल्पूजा नाम की जगह, अल्पूजा बहुत ही फेमस जगह अल्पूजा, तो वहां पे ये रेस करवाई जाती है और 500 साल से ये रेस कराई जा रही है। काफी पहले वहां के जो राजा थे वो आपस में कंपटीशन किया करते थे बोट का, तो उसी टाइम से ये बोट की जो रेसिंग है वो होती है, आप इमेज में देख सकते हैं, ठीक है, और यहां पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो रेस है जो कि कराई जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर होगा। काफी लोगों ने, ऑलमोस्ट 99% लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है आपसे पूछा गया, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पॉइंट इलास्टिसिटी का ही है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मैं आपको ये टॉपिक है ना न्यूमेरिकल वाले, वो मैं आपको एक साथ करवा दूंगा, मैं आपको एक वीडियो बना के देने वाला हूं जिसके अंदर आपके सारे टॉपिक, आने वाले जो संडे है, इसको मैं आपको एक वीडियो बना के देने वाला हूं
जिसके अंदर आर्क इलास्टिसिटी, साथ में पॉइंट इलास्टिसिटी, साथ में फिक्स्ड कॉस्ट, ओके, इसके साथ में जीडीपी, इस तरीके के चार सवाल है जो कि आपके पेपर में सीएचएसएल के अंदर आते हैं, न्यूमेरिकल इकोनॉमिक्स है, ये सारे किसके इको के टॉपिक्स है, इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स है, ओके, इन सारों को मैं सॉल्व करने का जो तरीका है ना वो मैं आपको देने वाला हूं, आपके आने वाले संडे को एक वीडियो दूंगा जिसमें आप सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व आउट कर सकते हैं, और जितने भी प्रीवियस जो आ चुके हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे इनके एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके लिए काफी आसान होगा, अगर मैं ऐसे डेली एक एक क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको इकोनॉमिक्स के लिए, काफी बच्चों के मेरे पास क्वेरीज आई थी कि उनको ये इलास्टिसिटी वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, तो इसलिए मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा अलग से जिसमें ये सारे के सारे न्यूमेरिकल मैं आपके लिए कवर कर दूंगा, और ये संडे को आपको ये वीडियो मिलेगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपसे पूछा गया कि मैच द कैरेक्टरिस्टिक विद देयर मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर के साथ में, ठीक है, कौन सा यहां पे है जो कि आपको बताना है कि फॉर एग्जाम्पल पहला वाला जो क्या है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बट क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर कंज्यूमर, सो दे डिमांड कर्व आर इलास्टिक, दूसरा है होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, ऑल गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर कंज्यूमर्स। तो देखिए जब आपके पास में यहाँ पे कुल मिला के कॉम्पिटिशन को लेकर पूछा गया, आपको पता ही है ना ओलिगोपॉली होता है, मोनोपॉली होता है, प्योर कॉम्पिटिशन होता है, तो उसी को लेकर यहाँ पे सवाल पूछा गया था, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होना चाहिए वो मेरे हिसाब से बी इसका सही आंसर होना चाहिए, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन और प्योर कॉम्पिटिशन, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, ए जो इसका आंसर है ना, ए, ए इसका होना चाहिए, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन और प्योर कॉम्पिटिशन, ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक और साथ में कौन सा प्योर कंपटीशन। देखिए कई सारे प्रोडक्ट्स हैं लेकिन जो कर्व है ना वो, कई प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं लेकिन एक ही कंपनी जो कि उन प्रोडक्ट्स को बेच रही है, तो उसकी क्या हो गई, मोनोपोली हो गई, जो कि आपका फर्स्ट वाला सवाल था। दूसरा वाला बोला गया होमोजीनियस प्रोडक्ट, ऑल गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर कंज्यूमर, एक जैसे कई सारे प्रोडक्ट है कई सारी कंपनियों के, जैसे कि हॉर्लिक्स भी है, कॉम्प्लान भी है, बॉर्नविटा भी है, तो ये सारे क्या है, प्योर कंपटीशन है इन सभी में, ये सब एक कंपनी के नहीं है, तो इन सब में प्योर कंपटीशन है, तो आपका दूसरा वाला जो है वो प्योर कंपटीशन का एग्जांपल है और पहला वाला मोनोपोली का एग्जांपल है। आप इमेज देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने आपको बता रखा है, डिफरेंशिएशन कर रखा है, ठीक है, कॉम्पिटिशन के बारे में किस तरीके से होते हैं, प्योर कॉम्पिटिशन में कई सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, प्रोडक्ट्स है वो सिमिलर होते हैं, कंट्रोल किसी का नहीं होता है, स्मॉल स्केल फार्मर्स इन इंडिया, ये इसका एग्जाम्पल है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कुछ एक लोग होते हैं, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर जो है वो बहुत ही कम होते हैं, और जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी सारे समवॉट डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है, एंट्री उसमें बहुत समवॉट डिफिकल्ट होती है, सिमिलरिटी गुड्स के अंदर डिफरेंट होते हैं, कंट्रोल सब थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है इसमें। ओलिगोपॉली के अंदर क्या होता है कि फ्यू कॉम्पिटिटर्स होते हैं, एंट्री करना बड़ा मुश्किल है, जैसे कि अभी क्या हो रहा है, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर हो रहा है, वोडाफोन, एयरटेल और जियो तीन ही नेटवर्क बचे हैं, बाकी सारे खत्म हो चुके हैं। और साथ में मोनोपोली के अंदर क्या है, कोई भी डायरेक्ट कंपटीशन नहीं होता है, जैसे कि गवर्नमेंट है, ओके। तो ये टाइप ऑफ आपके कॉम्पिटिशन है जो कि आपको ध्यान रखना है, और आपके पेपर में इसमें से एक ना एक सवाल आता ही रहता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ए फ्यूल, फ्यूल का अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा, अगर पूरा कंबशन हुआ तो चलो पॉल्यूशन तो होना ही है, दोनों कंडीशन में पॉल्यूशन होना है, लेकिन अगर इनकम्प्लीट कंबशन हुआ ना तो एक गैस निकलेगी जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है अपने इंसान के लिए, ठीक है, इंसान की डेथ भी हो सकती है उससे। ऑक्सीजन के साथ में होमोग्लोबिन के साथ में कार्बोक्सी होमोग्लोबिन बनाती है, ऑक्सीजन को रिप्लेस करके होमोग्लोबिन के साथ में हमारे ब्लड के अंदर कार्बोक्सी होमोग्लोबिन बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी गैस का नाम है उसका, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपको ध्यान रखना है, तो आपका आंसर क्या होगा, बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, और बी इसका सही आंसर होगा, और यहां पे काफी लोगों ने ओके आंसर सही दिया है, और यहां पे काफी लोगों ने आंसर सही दिया है, बी इसका सही आंसर है, बहुत सही लोगों ने आंसर दिया है। आप सभी को पता ही है जब फ्यूल का, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ में काफ़ी सारी गैसेस निकलती है, ओके। लेकिन जब हम बात करते हैं इनकम्प्लीट कंबशन की, पूरी तरीके से क्या हुआ, ऑक्सीजन नहीं मिला, जब इंजन को पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा
तो फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन होगा, इनकम्प्लीट होगा कंबशन उसका, उस टाइम पे क्या होगा, कार्बन मोनोक्साइड निकलना चालू करेगी फ्यूल के अंदर से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि ऑक्सीजन और साथ में होता क्या है कि जो फ्यूल होता है ना, फ्यूल प्लस एयर मिला के कई सारी चीजें को प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड है, इस तरीके के। लेकिन जब इसमें से एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी कमी बढ़ गई है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस होता है। साथ में आपको पोल्यूशन की बात चल रही है तो आपको पीएम के बारे में पता होना चाहिए, पर्टिकुलर मैटर, दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा मेजर इश्यू है ना, पर्टिकुलर मैटर 10 और ठीक है पीएम 10, आपने सुना होगा ना, पीएम 10 का लेवल बढ़ गया है, हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसान होता है, पीएम 10 हमारे लंग्स में जाता है जब इनहेल करते हैं तो। इसकी कितनी लिमिट है, 100 म्यूजी माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, एक मीटर क्यूब वाले एरिया के अंदर अगर 100 माइक्रोग्राम पार्टिकल पर्टिकुलर मैटर 10 से कम है, 10 का मतलब क्या है, 10 माइक्रोग्राम पर, 10 माइक्रोग्राम से भी छोटे पार्टिकल अगर एयर के अंदर है, एक मीटर क्यूब के अंदर 100 माइक्रोग्राम है, तो ये लिमिट है इसकी। और 25 की क्या है, 160 है, ठीक है, 60 म्यूजी पर मीटर क्यूब, ये इसकी लिमिट है और ये इसकी लिमिट है, ये लिमिट आपको ध्यान रखनी है, ओके। पर्टिकुलर मैटर बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं हमारे लंग्स के लिए। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, 20 का सही आंसर है, आप देख सकते हैं इमेज के अंदर, ओके। इनकम्प्लीट कंबशन के बारे में पूरी डिटेल दी गई है, जब ऑक्सीजन नहीं होता है फ्यूल के अंदर तब क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। तो उम्मीद कर रहा हूं आप ये समझ गए होंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि एक ऑर्गेनिज्म दैट जनरेट एनर्जी यूजिंग लाइट आर नोन एज। तो आपको बताइए फोटोसिंथेसिस के बारे में, कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एनर्जी को यूज करते हैं लाइट के तौर पे और अपना खुद का फूड बनाते हैं, ओके। आप उनको क्या बोलते हैं, एल्गी भी आपको पता ही है, प्लांट आपको पता ही है, ठीक है। ये सारे कौन से होते हैं, ये सारे फोटोट्रॉप्स होते हैं जो कि खुद का खाना बनाते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी आपका सही आंसर होगा, ओके। और बीना जी बोल रही है साइंटिफिक नेम पे वीडियो, तो बीना जी बिल्कुल, मैं साइंटिफिक नेम फाइलम ग्रुप पे ऐसे कई सारे वीडियोस है जो कि मैं आपको मुझे देने हैं, इकोनॉमी का वाला वीडियो है तो मैं आपको एग्जाम से पहले जरूर दे दूंगा, पद्मावती वाला वीडियो, अगर आप पद्मावती क्वेश्चन ममता जी अगर आप यूट्यूब पे लिखेंगे ना तो आपको वीडियो मिल जाएगा, ओके। लोगों ने इसका आंसर डी किया है, बिल्कुल सही आंसर है, आंसर इसका डी है, फोटो ठीक है, फोटोट्रॉप्स वही होते हैं जो कि खुद का खाना बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। आप देख सकते हैं इमेज के अंदर फोटोट्रॉप्स क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं सनलाइट को एनर्जी के तौर पे और फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे कि प्लांट है, सम बैक्टीरिया है, साइनो बैक्टीरिया होता है और साथ में एल्गी। साइनो बैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, आपने सुना है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है वो साइनो बैक्टीरिया ही होता है, और जो बाकी एल्गी है वो भी अपना खाना बनाते हैं। नेक्स्ट इमेज में आप देख सकते हैं, ओके, ये स्ट्रक्चर है प्लांट का, प्लांट एंड देयर ऑटोट्रॉप्स आर यूज द फॉलोइंग रिएक्शन टू मेक फूड। आपको पता ही ना, CH2 + CO2 + 6H2O प्लस एनर्जी इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस 6O2। तो देखिए, समझिए फ्रेंड, ये जो इक्वेशन है ना इसको समझने की कोशिश कीजिए, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर को लेते हैं और एनर्जी को लेते हैं, ये लेने के बाद वो खुद का खाना बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, ठीक है, जो उनके उनके लिए स्टार्च होता है, प्लस 6O2 ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जो कि ये छोड़ते हैं, जो कि हम लेते हैं, ठीक है। 6O2 क्या है, वही ऑक्सीजन है जो कि ये रिएक्शन के बाद में छोड़ रहे हैं और हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। हमारी बॉडी में उल्टा होता है, आपको पता ही ना, अपन CO2 ग्लूकोज को कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं, आपको पता ही ना, हम ग्लूकोज लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, उसके बाद में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है हर एक सेल के अंदर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है और यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, ओके, नेक्स्ट एक और इमेज आपके सामने अवेलेबल है जिसमें एरोबिक फोटोट्रॉप्स और एनारोबिक के बारे में भी है। जो लाइट यूज करेंगे वो एरोबिक होंगे, जो लाइट यूज नहीं करेंगे, ठीक है, यूज एनर्जी ऑक्सीडेशन के थ्रू रिड्यूस कंपोनेंट बनाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एनारोबिक बोलेंगे, ओके। एनारोबिक जो ऑक्सीजन जिनको बाहर से मिल रही है वो तो एरोबिक है, जो ऑक्सीजन के बिना प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एनारोबिक बोलेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही सिंपल सा सवाल था जो कि आपसे पूछा गया, पहला हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, देश का पहला हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा था।
तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि देश का पहला, अगर मैं न्यूज़पेपर की बात करूं तो जेम्स हैंकी नाम के एक पर्सन थे जिन्होंने 17 सेंचुरी के अंदर, ठीक है, जेम्स हैंकी, जिन्होंने बंगाल गजट नाम के देश का पहला न्यूज़पेपर बनाया था। ये इंडिया का ही नहीं, एशिया का पहला न्यूज़पेपर था, एशिया का और इंडिया का दोनों का पहला न्यूज़पेपर था बंगाल गजट। 17 सेंचुरी में इन्होंने इसको पब्लिश किया था, कोलकाता के अंदर से पब्लिश किया था, कोलकाता, ठीक है। और ये जो इनको 2 साल की जेल भी हुई थी, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिक थे, बहुत बड़े किसके, वॉरेन हेस्टिंग के, जो पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उनके बहुत बड़े क्रिटिक थे ये, बहुत उनके कामों की बुराई करते थे, तो इसलिए इनको 2 साल की जेल भी हुई थी। और उन्होंने न्यूज़पेपर निकाला था जो कि एशिया का पहला न्यूज़पेपर था। लेकिन जब हम हिंदी न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो आपके सामने आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। जो उद्दत मारतंड इसका, यानी कि सी इसका सही आंसर होगा। उद्दत मारतंड वो पर्सन है, पहला न्यूज़पेपर है जो कि हिंदी में पब्लिश किया गया था 18 सेंचुरी के अंदर, 1829 या 30 के आसपास किया गया था इसको, ठीक है। एक पर्सन थे गोखले, उनका नाम कुछ गोखले करके कुछ उनका नाम था, जिन्होंने इसको पब्लिश किया था। तो आप इमेज देख सकते हैं, वो पहला हिंदी न्यूज़पेपर, साथ में आपके सामने इमेज भी आ रही होगी, ये पहला न्यूज़पेपर था, ओके। तो आपका आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा। साथ में हिंदी एक दिवस होता है, हिंदी जो इसको हम बोलते हैं हिंदी जर्नलिज्म डे, वो भी आपको ध्यान रखना है। हिंदी जर्नलिज्म डे जो होता है वो 30 मई को होता है, 30 मई। हिंदी के अंदर जो हमने जर्नलिज्म है ना, वो 30 मई से स्टार्ट किया था जब ये न्यूज़पेपर बना था, तो उसी वजह से हम उसको हिंदी जर्नलिज्म डे भी बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि पूछा गया कैपिटल ऑफ पोर्चुगल। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है उसकी कैपिटल करेंसी, और साथ में जो यूरोप की जो कंट्रीज है उसकी कैपिटल करेंसी आपको पता होनी चाहिए। तो पोर्चुगल की आपको पता ही होनी चाहिए, जो पोर्चुगल है उसकी कैपिटल क्या है, लिस्बन। लिस्बन उसकी कैपिटल है। तो आपका आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर होगा। करेंसी क्या चलती है वहां पे, यूरो चलती है, ठीक है। 1 यूरो इज इक्वल टू 78 point something रुपीज, ओके। तो लिस्बन इसका सही आंसर होगा। मैं आपको मैप दिखा रहा हूं, एक वियना, यहां पे वियना लिखा हुआ है तीसरे ऑप्शन पे। वियना किसकी कैपिटल है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ऑस्ट्रिया। और डी जो एरिस है ये किसकी, अर्जेंटीना की कैपिटल है, ओके। डी वाला ऑप्शन जो है, जो ब्यूनस एरिस, ये अर्जेंटीना की है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको मैप में दिखा रहा हूं, उसमें आप काफी जो चीजें हैं वो आप याद कर सकते हैं। जो जैसे कि नॉर्वे से स्टार्ट कीजिए, ऊपर से एनएसडी से, नॉर्वे की कैपिटल ऑस्लो, स्वीडन की स्टॉकहोल्म, फिनलैंड की हेलसिंकी, डेनमार्क की कोपेनहेगन, जर्मनी की क्या है, ओके, जर्मनी की बर्लिन कैपिटल है, साथ में नीदरलैंड की क्या है, एम्स्टर्डम है, साथ में पोलैंड की वॉर्सो है, बेलारूस की मिस्क है। आपका जो सेकेंड वाला ऑप्शन है ना, मिस्क, मिन्स्क जो वो है बेलारूस की कैपिटल है, ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे लोगों ने आंसर किया, पांडे जी ने बिल्कुल सही बताया। और साथ में यूक्रेन की कीव है, उसके अलावा प्रयाग आपको पता ही है, ओके, हॉलैंड की, नीदरलैंड की, साथ में फ्रांस की पेरिस है, स्विट्जरलैंड की भी आपको पता होना चाहिए, बर्न स्विट्जरलैंड की कैपिटल है, मैड्रिड स्पेन की क्या है, मैड्रिड है, और पोर्चुगल उसी के पास में है स्पेन के, जो कि लिस्बन उसकी कैपिटल है, इटली की रोम है, ओके, ग्रीस की एथेंस है। तो इस तरीके से सारी आपको ध्यान रखनी है, रोमानिया और हंगरी, ये सारी की सारी कैपिटल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उम्मीद है आप यहाँ सांस से काफी कुछ सीख गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, वापस से वही पूछा गया, सेम सवाल है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो कैपिटल है पोर्चुगल की वो तो लिस्बन है, और जो स्पेन की कैपिटल है वो मैड्रिड है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा, दोनों नेबरिंग कंट्री है, ओके। तो आपका आंसर क्या है, सी आंसर है। और यहाँ पे जो वो चलती है करेंसी, वो भी यूरो ही चलती है स्पेन के अंदर भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपसे पूछा गया, अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉज बॉर्न इन अ ईयर। तो अलेक्जेंडर जो ग्रेट है वो कौन से साल में पैदा हुए थे, ये आपको बताना है। अलेक्जेंडर के बारे में सभी को पता ही है, अलेक्जेंडर के जो गुरु थे वो एरिस्टोटल थे, एरिस्टोटल उनके गुरु थे, 356 BC के अंदर उनका जन्म हुआ, और आई गेस 323 BC के अंदर उनकी डेथ हो गई थी। मुश्किल से 33 साल की उम्र थी अलेक्जेंडर की, और इस 33 साल के अंदर उन्होंने पूरे का पूरे दुनिया मेजरली जो उस टाइम पे किंगडम थे सभी को हरा के उन्होंने जीत लिया था। इंडिया के अंदर एंट्री नहीं ले पाए थे,
ओके इंडिया के वहां पर नहीं ले पाए थे। इसके अलावा मेजरली पूरी दुनिया उन्होंने जीत ली थी। मैसिडोनिया के वो रूलर थे, ओके एग्जेड एक जो उनकी जो डायनेस्टी थी वो एग्जेड डायनेस्टी थी जिसके वो रूलर थे, और फिलिप सेकंड, इनके फादर का नाम था फिलिप सेकंड। तो फिलिप सेकंड की जब डेथ हुई थी 20 साल की थी उनकी उम्र जब उन्होंने एम्पायर को संभाला था। उसके बाद में उन्होंने काफी वॉर लड़ी और काफी दुनिया के अंदर जीता। तो आप साथ में देख सकते हैं एरिस्टोटल इनके गुरु थे, ये पेपर में कई बार पूछते हैं। और आपका आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर होगा। बीसी का मतलब पूछ रहे हैं विजयपाल जी, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ओके एडी का मतलब होता है एना डोमिनी। वापस से जिन लोगों को नहीं पता, इतना छोटी सी वैसे बेसिक है, बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन मैं आपको स्केल बता देता हूँ। टाइम स्केल की जब हम बात करते हैं तो आपको ये हम क्रिश्चियन कैलेंडर के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं, ठीक है। ग्रीगोरियन कैलेंडर, क्रिश्चियन कैलेंडर बोलते हैं जीरो, जीरो जो होता है उसको हम बोलते हैं बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बर्थ ऑफ क्राइस्ट। इसके आगे का जो टाइम ड्यूरेशन है वो एडी होता है, एना डोमिनी जिसको बोलते हैं, और जो पीछे का होता है वो क्या होता है बीसी होता है। मैं अभी बात कर रहा हूं 356 बीसी की, डेथ कब हुई 323 बीसी के अंदर। इसके बाद आप आगे जाएंगे, उसके बाद में यहां पे जाके अभी क्या है 2018, इस तरीके से ये चलता है, ओके। इससे पीछे और जाओगे तो आपको पता ही है ना 2250 से 1750 क्या थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ओके। उसके बाद में 1500 से लेकर 550 तक क्या थे, आर्यन थे, हाँ आर्यन एज आई थी। उसके बाद में फिर तीन लड़ाई हुई, ऐसे करते करते हमारे जो इतिहास है वो आगे बढ़ा था, ओके। तो ये सब बीसी के टाइम की बात है। तो ये हमारे पूरे टाइम स्केल है जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए और काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे मुमताज जी ने बिल्कुल सही कहा है, जब इंडिया की तरफ आया था तो नंदा देवानंदा करके एक रूलर थे जिन्होंने उनको रोका था। दो बार उनकी लड़ाई हुई थी, पहले तो पोरस से लड़ाई हुई थी, हैब्डिसेस, बैटल ऑफ हैब्डिसेस, उसमें उन्होंने पोरस को हरा दिया था झेलम रिवर के ऊपर। लेकिन जब नंदा किंग से लड़ाई हुई तो नंदा किंग ने दो बार उनको रोका, ये भी बहुत बड़ी बात है। अलेक्जेंडर द ग्रेट को दो बार उन्होंने रोका, अपनी बॉर्डर पे आने से रोका, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो नंदा था, देवनंदा वो किंग थे, ओके। तो यहाँ पे आपका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि अकबर से रिलेटेड पूछा गया, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ अकबर से, जो मुगल डायनेस्टी पूरी की पूरी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, साथ में आर्किटेक्ट भी डिस्कस कर चुका हूँ अकबर के, फतेहपुर सीकरी, साथ में आगरा फोर्ट, ओके उसके बाद में लाहौर फोर्ट, ऐसे कई सारे फोर्ट है जो कि उन्होंने बनाए थे अपने टाइम पे, जिसमें से फतेहपुर सीकरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें पंचमहल है, और भी कई सारा जो बुलंद दरवाजा है, साथ में सलीम चिश्ती की वो भी है उसके अंदर, टॉम भी है, बीरबल हाउस भी है, ओके। तो ये सब आपको बताइए, जो फतेहपुर सीकरी बनाया गया था वो अकबर ने क्यों बनाया था, क्योंकि वो जितने भी धर्म है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी के धर्मों को वहां पे स्टडी किया करता था, ओके। ही वॉज इलिटरेट, वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसको सिर्फ और सिर्फ कुरान पढ़नी आती थी अकबर को। तो सभी धर्मों की स्टडी करने के लिए, क्योंकि आदमी बहुत अच्छा था, इसीलिए सभी धर्मों को स्टडी करने के लिए सभी धर्मों के जो सेंट है उनको बुला के वो वहां पे स्टडी किया करता था, कहां पे फतेहपुर सीकरी के अंदर। तो आंसर बड़ा आसान है, सी इसका सही आंसर है, मुझे लगता है किसी को कोई भी दिक्कत आएगी, अकबर के बारे में सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, जो कि आपसे पूछा गया रॉकेट के बारे में, हु इन्वेंटेड रॉकेट, रॉकेट को किसने इन्वेंट किया, ये आपसे पूछा गया। तो इसका जो आंसर होगा मेरे ख्याल से किसी को पता नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, रोबोट गोडार्ड इसका सही आंसर होगा, सी इसका सही आंसर होगा, रोबोट गोडार्ड, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा। जिन लोगों को नहीं पता है, थोड़ा मुश्किल सवाल है, रॉकेट किसने बनाया था, एक अमेरिकन पर्सन थे, आई गेस 1923 के टाइम पे उन्होंने क्या किया था, ये जो रॉकेट है इसका इन्वेंशन किया था, लिक्विड फ्यूल्ड ये रॉकेट था, पहला रॉकेट था जो कि इन्होंने छोड़ा था, ओके। ये अमेरिकन थे जिन्होंने पहला रॉकेट बनाया था। साथ में अगर मैं बात करूँ स्पेस में भेजने वाला रॉकेट, तो जर्मनी, अगर लॉन्ग रेंज की बात करूँ, ओके लॉन्ग रेंज रॉकेट की बात करूँ, तो जर्मनी ने बनाए थे रॉकेट जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लिए थे। इसके बाद में जब अगर मैं स्पेस में भेजने की बात करूँ, तो आपको पता ही ना यूएसएसआर ने क्या, रशिया ने क्या बनाया था, स्पुतनिक सैटेलाइट भेजी थी पहले, उनका रॉकेट था आर सेवन नाम से उनका रॉकेट था जो उन्होंने भेजा था, रॉकेट की मदद से उन्होंने क्या सैटेलाइट को प्लेस किया था। तो सबसे पहला तो बनाया रोबोट ने, उसके बाद अगर मैं बात करूँ थोड़े से लॉन्ग रेंज की बात करूँ तो जर्मनी, उसके बाद मैं स्पेस की बात करूँ तो किसने, यूएसएसआर ने। और साथ में रॉकेट इंडिया में सबसे पहली बार किसने यूज किया था, ये भी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल यूपीएससी के सीडीए एनडीए में कई बार आता है, आईएएस के अंदर भी आया है कई बार,
कि पहली बार रॉकेट किसने यूज किया था, तो टीपू सुल्तान, आपको पता होगा 17th सेंचुरी में टीपू सुल्तान ने काम में लिए थे रॉकेट बना के, किसके, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। बहुत ही शॉर्ट रेंज के रॉकेट थे वो, लेकिन उन्होंने बनाए थे उस टाइम पे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, सी इसका सही आंसर है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो शायद डिफरेंट है आपके सामने, अभी सही आ गया होगा शायद मेरे ख्याल से। ठीक है, और डीपी सिंह जी क्वेश्चन पहले गलत आ रहा था, बिल्कुल सही है, स्टूडेंट ने कहा है कि क्वेश्चन डिस्प्ले नहीं हो रहा था। तो जो अभी जो क्वेश्चन आपके सामने होगा वो किसको होगा, रॉकेट को लेकर होगा, कि किसने रॉकेट को बनाया है, ठीक है, इन्वेंट किसने किया है। तो आपका आंसर यहाँ पे सी आपका सही आंसर होगा। ओके, मैसूरियन रॉकेट, बिल्कुल सही कहा है विनोद माटंग जी ने, मैसूरियन रॉकेट उनका नाम था जो कि रॉकेट उन्होंने बनाया था। ठीक है, इन्वेंशन पे एक वीडियो जरूर बनाऊंगा मैं शांतिलाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। वेट ऑफ ए पर्सन एट ए हाइट ऑफ 2 आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो अगर आप 2 आर की हाइट पे चले जाओगे, ठीक है, तो आपका जो वेट है वो कितना होगा, सभी को पता ही है 1/4 क्या हो जाता है, वेट हो जाता है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कई बार हमने स्कूलिंग के अंदर पढ़ा हुआ है। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा। आपका जो वेट होगा ना, अगर आप 2 आर डिस्टेंस के ऊपर चले जाओगे फ्रॉम द रेडियस फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, तो आपका जो वेट है वो 1/4 हो जाएगा। ओके, सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा, डी आपका सही आंसर होगा, 1/4 सही कहा है गोपाल कुमार जी ने, अंकित जी ने भी सही कहा है, अनुराधा जी ने, काफी लोगों ने इसका आंसर सही किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, जो कि आपसे पूछा गया था, हाउ कैन वी मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क, स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल्क की कैसे हम मेजर कर सकते हैं, ये आपसे पूछा गया था। अब देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है, सबसे पहले ये समझिए, बहुत ही सिंपल सा, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है कि जो वेट का कंपोनेंट है आप, ठीक है, स्पेसिफिक वेट बोल लीजिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी वेट का कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर। ठीक है, स्पेसिफिक वेट बोल लीजिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल लीजिए, तो ग्रेविटी में किसी भी कंपोनेंट का डिवाइडेड बाय द जो भी वेट है वाटर का, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, मिल्क की बात करें तो 1.035 स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल्क की कितनी होती है, 1.035 होती है। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, जो वेट है कंपोनेंट का, किसी भी कंपोनेंट का डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर, वाटर से जब भी हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, और साथ में एक इमेज भी देख सकते हैं आप, जिसके जिसमें आपको काफी कुछ क्लैरिफिकेशन है आपके सामने आएगा। बिल्कुल सही कहा है हाइग्रोमीटर, जिन्होंने कहा है हाइग्रोमीटर, वो बिल्कुल सही कहा है फ्रेंड, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, हाइग्रोमीटर यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करोगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल्क की मेजर करेंगे। तो बिल्कुल सही कहा है यहाँ पे मुकेश कुमार जी ने, सी इसका सही आंसर होगा। हाइड्रो तो देखिए वाटर के लिए होता है, और हाइड्रो जो होता है वो मिल्क के लिए होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पे दीपक जी बोल रहे हैं कि 20 की PDF, तो देखिए आप GK24 डाउनलोड करिए फ्रेंड, जो लोगों ने GK डाउनलोड कर रखी है वो वहां से आपको सारी की सारी PDF मिल जाएगी। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, साथ में आप इमेज भी देख सकते हैं, जो हाइग्रोमीटर है उसकी इमेज भी आप देख सकते हैं आपके सामने है। ओके, ये हाइड्रोमीटर की इमेज है, एक्चुअली में आपके सामने जो है वो हाइड्रोमीटर की इमेज है। ओके, तो वैसे हाइग्रोमीटर भी होता है, हाइड्रोमीटर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पे अली जी ने बिल्कुल सही कहा, देखिए लैक्टोमीटर नहीं होगा, लैक्टोमीटर भी वैसे तो मिल्क के लिए ही काम में आता है, लैक्टोमीटर बिल्कुल जो लोगों ने आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है, लैक्टोमीटर भी इसी काम में आता है वैसे तो। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं था, लेकिन इसीलिए हमने उसको आंसर में नहीं लिया है, लैक्टोमीटर यहाँ पे लिखा हुआ ही नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल सा सवाल था, जो कि क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है वो क्या है। आप सभी को पता ही है 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया था हमारे संविधान को, और 26 जनवरी 1950 को हमने क्या किया था, लागू किया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है ना, वो हम 26 नवंबर 1949 को मानते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे डी आप सभी का आंसर होगा, तो बिल्कुल सही है, डी आंसर आप सभी का सही है। 26 जनवरी हमने क्यों माना है इसको, 26 जनवरी क्यों माना था, क्योंकि 1930 के अंदर हमने हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है वो डिक्लेयर किया था कि 26 जनवरी होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, तो इसीलिए उसी दिन को हमने वापस से हमारा संविधान को हमने अडॉप्ट किया उस दिन,
क्योंकि हमने 1930 को हम उस दिन आजादी चाहते थे, तो ऐसा नहीं हो पाया था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर होगा। आप इमेज में देख सकते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपसे पूछा गया आर्टिकल 44 को लेकर। आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या डील करता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड को डील करता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है प्रेजेंट गवर्नमेंट के टाइम पे, या फिर पिछले कई सालों से हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। देखिए आपको पता है हिंदू लोगों के लिए हिंदू लॉ होते हैं, मुस्लिम के लिए मुस्लिम लॉ होते हैं, जिससे काफ़ी सारी डिफिकल्टीज होती है। जब आप एक देश में रह रहे हो तो आपको सिंपल सी बात है, हमारे देश में लॉ सभी के लिए एक समान होना चाहिए। ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा आप सभी को पता ही है कितना बड़ा मुद्दा था, उसके बाद में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आ गया है, क्योंकि अब हम चाह रहे हैं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट चाह रही है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। ठीक है, यानी कि जो हिंदू है वो हिंदू लॉ से ना बंधे रहे, जो मुस्लिम है वो मुस्लिम लॉ से ना बंधे रहे। आपको पता है ट्रिपल तलाक, ये सब तीन बार तलाक बोलते तलाक हो जाता है, तलाक है, हलाला भी होता है। हलाला के अंदर क्या होता है कि अगर वापस से मैरिज करनी होती है, अगर एक बार डिवोर्स दे दिया और वापस से मैरिज करनी है तो किसी और से मैरिज करनी पड़ेगी मुस्लिम वुमेन को, उसके बाद में वो वापस से आपसे शादी कर सकती है। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, तो उन सबको एलिमिनेट किया गया ट्रिपल तलाक में। अभी बेंच ने उसको इनवैलिड भी प्रूव कर दिया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये किसके अंदर आते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर आते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की अगर मैं बात करूं तो तीन टाइप से हमारे यहाँ पे काफी लोगों ने जो आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, तीन टाइप से हमारे जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो दिए गए ना, वो इसलिए दिए गए ताकि हमारा जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सके, प्रिंसिपल्स अपना सके जो कि दिए गए हैं। ये कोई परमानेंट नहीं होते हैं, फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा मजबूत नहीं है। फंडामेंटल राइट्स को अपनाना पहला ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अपनाने ज़रूरी होते हैं। अगर कोई भी स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अपनाता है तो उसके स्टेट में बेनिफिशियल एक गवर्नमेंट और काफ़ी एक सोशल गवर्नमेंट बनती है जो कि लोगों के काम में आती है। देखिए तीन तरीके के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए, एक तो सोशलिस्ट वेलफेयर है। ठीक है, यहाँ पे लोगों ने जो आंसर दिया है बिल्कुल सही है, आयरलैंड से लिया है, ये बिल्कुल सही कहा है आशीष जी ने, सोशलिस्ट गांधीनियन और साथ में लिबरल। इस तरीके से तीन टाइप के प्रिंसिपल्स हैं जो कि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर पढ़ते हैं। ओके, इसमें से आप इमेज में देख सकते हैं, आपको काफी क्लियर आउट होगा। इसमें आर्टिकल भी मैंने मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में सोशलिस्ट में आर्टिकल आपको दे रखे हैं, गांधीनियन में दे रखे हैं, लिबरल प्रिंसिपल दे रखे हैं। तो इस तरीके से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो डिवाइड कर रखे हैं और काफी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इमेज में आप देख सकते हैं जो कि मैंने हिस्ट्री बता रखी है, काफी लोगों ने सही कहा है, आयरलैंड से लिया हुआ है, आयरिश नेशनल मूवमेंट था, वहां से हम काफी इंस्पायर हुए थे तो उसके बाद में हमने वहां से इसको अडॉप्ट किया था। ठीक है, सुमित जी ने बिल्कुल सही कहा है, आर्टिकल 36 से 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और रीना जी बोल रही है GK 24 में PDF कहां पर है? तो देखिए GK 24 में जब आप वीडियोस वाले सेक्शन में जाएंगे तो वीडियोस के पास में आपको एक डॉट बना हुआ दिखेगा, उस डॉट पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपके ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड PDF का। ठीक है, ये बच्चों को पता नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए इसका सही आंसर होगा। जिन लोगों ने, ठीक है, जो जिन लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आज का आंसर किया है, ए जिन लोगों ने इसका आंसर किया है बिल्कुल सही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर ये इंक्लूड होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी मैंने आपको बताई दिया है होता क्या है, हमारे देश में एक समान कानून हो उसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट सवाल पहले भी आ चुका है, पहले भी रिपीट हो चुका है, हम पहले पर्सन ऐसे कौन से प्लेयर है जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी मारी है टेस्ट क्रिकेट में, पहले इंडियन। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आज तक टोटल बार ऐसा हो चुका है कि 30 बार वर्ल्ड के अंदर 300 से ज्यादा स्कोर बन चुका है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, 30 में से 3 बार इंडियन ने बनाया है, 2 बार तो सहवाग ने, 1 बार किसने, करुण नायर ने। ठीक है, सहवाग ने सबसे पहले बार बनाए थे कहां पे, पाकिस्तान के अंदर मुल्तान के अंदर 2004 के अंदर, उसके बाद में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बनाए थे। तो आंसर क्या होगा आपका? वीरेंद्र सहवाग इसका सही आंसर होगा, यानी कि डी आपका सही आंसर होगा। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था। मैक्सिमम रन भी आपको पता होना चाहिए, टेस्ट में जो सबसे ज्यादा रन है वो 400 रन है, किसके, ब्रायन लारा के। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है। वनडे में मैक्सिमम रन किसके, रोहित शर्मा के। ठीक है, ये भी आपको पता होगा, 200 बना चुके हैं 3 बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है, हु रोट द बुक द अरेबियन नाइट्स।
अरेबियन नाइट्स जो ये किताब है ये किसने लिखी है ये आपको बताना है। देखिए अरेबियन नाइट्स जो ये किताब है ये उस पर्सन ने लिखी है जो कि शेक्सपियर के टाइम पे हैमलेट, एक नोवेल थी हैमलेट, आपको पता ही है ना हैमलेट। तो हैमलेट जो है ना, इस हैमलेट वाला जो प्ले था, इस प्ले के जो लीडिंग कैरेक्टर थे वो पर्सन है जिन्होंने इस किताब को लिखा है। उसका आंसर क्या होगा? रिचर्ड बर्टन। रिचर्ड बर्टन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, डी इसका सही आंसर होगा। रिचर्ड बर्टन वो पर्सन है जिन्होंने किताब लिखी है। आप देख सकते हैं किताब को भी, ये आपके सामने है द अरेबियन नाइट्स। रिचर्ड बर्टन ने किताब लिखी है और ये शेक्सपियर का जो फेमस प्ले था हैमलेट उसके मेजर लीड प्लेयर, लीड एक्टर थे। ओके, जिन्होंने काफी इंस्पायर किया था अपनी एक्टिंग से लोगों को। तो फ्रेंड्स ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आप सभी के जो कि पिछले साल एक सेट में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ आज आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। टेस्ट सीरीज पे फोकस करिए, अभी से टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दीजिए ताकि एक या दो महीने के अंदर आपकी काफी अच्छी प्रिपरेशन हो सके। जिन लोगों की नहीं हुई है वो CHSL धमाका जरूर ज्वाइन करें। साथ में संडे को वाईफाई स्टडी की टीम दिल्ली के अंदर आप सभी से मिलने आ रही है, इसको जरूर ध्यान रखिए क्योंकि काफी कुछ है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। संडे को राजीव चौक पे कैनॉट प्लेस पे दिन में 12 बजे के आसपास हम आपसे मिलेंगे वहां पे, और उम्मीद करते हैं जो लोग दिल्ली के हैं वो वहां पे अवेलेबल जरूर होंगे क्योंकि काफी कुछ हम आपसे वहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।